टर्की में रूसी राजदूत की हत्या की गई, तो जर्मनी में क्रिसमस की खरीदारी कर रहे लोगों पर लॉरी चढ़ाकर किया गया यह हमला। जुलाई में फ्रांस के नीस में हुए हमले जैसा था, लेकिन इस हमले के तार भारत के पड़ोसी देश की तरफ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 15 जुलाई 2016, नीस फ्रांस, 70 लोगों की मौत। फ्रांस के नीस शहर में बास्टिल डे आयोजन के दौरान एक लॉरी ने 70 लोगों को कुचलकर मार दिया। ১৯ দিসেম্বর ২০১৬, বার্লিন, জার্মানি, ১২ লোক মৃত, ৫০ ঘায়ল। জার্মানি কি রাজধানী বার্লিন মে এক ব্যস্ত ক্রিসমাস মার্কেট মে এক লরি নে ১২ লোক কুচল কর মার ডালা। मैं बेहद डरा हुआ हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं बर्लिन में भी सुरक्षित हूं या नहीं। मैं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता हूं? आप लोगों को सुरक्षा कर्मियों पर भी कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। दो अलग देश, दो अलग शहर, दो आतंकी हमले। मोडस ऑपरेंडी यानी हमले का तरीका एक, लॉरी वाला आतंक। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने क्रिसमस मार्केट में लॉरी अटैक को आतंकवादी हमला बताया है। ये बहुत दुखदाई है। जिन रिफ्यूजी लोगों की मदद के लिए जर्मन दिन प्रतिदिन समर्पित कर रहे हैं, वो रिफ्यूजी जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उन्हीं में से कुछ देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की में अल्लाह अकबर तो बर्लिन अटैक पर चांसलर मार्केल का दावा है कि ट्रक का ड्राइवर अफगानिस्तान या पाकिस्तान का रिफ्यूजी हो सकता है। यही वजह है कि जर्मनी के स्पेशल पुलिस कमांडो ऑफिसर उस रिफ्यूजी शेल्टर पर पहुंच गए जहां लॉरी के ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन था। पुलिस ने शेल्टर से एक लैपटॉप और फोन बरामद किया। लॉरी ड्राइवर को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दुनिया भर ने बर्लिन आतंकवादी हमले की निंदा की है। माना जा रहा है कि हमलावर लॉरी ड्राइवर पाकिस्तान का हो सकता है, जो जर्मनी में बाल्कन के रास्ते घुस आया है। सोमवार रात बर्लिन में हुए इस आतंकी हमले ने फ्रांस के नीस में 5 महीने पहले हुए आतंकी हमले जैसा डर लोगों में भर दिया है। अभी ज्यूरिख के अंदर मस्जिद में गोली चल गई है। ये सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं अपने आप को गैर मुस्लिमों से सुपीरियर जानने के लिए, और ये खतरा अगर हम नहीं देख सकते कि लोग अपने धरती के नहीं होते हैं, एक धर्म के होते हैं, तो ये नेशन स्टेट धरतियों का है। ये 500 साल पहले नहीं है कि किसी ने ईसाइयत पे या किसी ने इस्लामियत के ऊपर अपना मुल्क बनाया और उनकी जंगें चल रही हैं। लॉरी आतंकवादी हमला बर्लिन के केसर विलहोम मेमोरियल चर्च के पास क्रिसमस मार्केट में हुआ। तेज रफ्तार लॉरी चर्च के सामने लोगों को कुचलती हुई साइड वॉक में जा घुसी। तीसरी वारदात स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में हुई, जब एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 3 लोगों को घायल कर दिया। फायरिंग की यह घटना ज्यूरिख में एक इस्लामिक सेंटर में हुई। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7।